हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। और फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में मैंने कपड़ों की मशीन लगाई और साथ ही फ्रेंड्स, आज धूप अच्छी निकली हुई थी मॉर्निंग में, तो मैंने अपने गद्दों को भी आज धूप लगा दी है। तो यही सब काम जो है मैं निपटा रही थी और इसीलिए आज मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग को स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि इसके साथ में मुझे और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे काम थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ में इवनिंग का ब्लॉग शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि यहाँ मुझे अपनी वॉल पर लगाना है एक वॉल स्टिकर जो कि मैंने बहुत दिन पहले मंगवाया था अमेज़ॉन से। तो आज एट लास्ट इस स्टिकर का मुहूर्त निकल चुका है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, कब से सोची थी लगाऊंगी। सो आज मैंने मन बना ही लिया कि चलो यार लगा लेते हैं, क्योंकि स्टिकर लगाने में ना बहुत ज़्यादा झंझट होता है और ख़ास तौर पर इस वाले स्टिकर में बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो लगाना तो है ही, तो आज ही इसको लगा लेते हैं। सो मैं जल्दी से इसको लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि ये कैसा लग रहा है। आप लोग, सो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी जस्ट मैंने लगाया है अपने रूम में ये वाला स्टिकर जो कि बहुत दिनों से रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो आज फाइनली इसको लगा देते हैं। सो आपसे बात करने के लिए पहले मैं अपने बालों को बांध लूं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पोनी की हुई थी और इतनी गर्मी लग रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं सबसे पहले अपना जूड़ा बांध लेती हूँ, बाकी बातें आप लोगों से बाद में करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपने रूम में आई थी और मे बी शायद पंखे की आवाज़ आ रही होगी बीच में, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है और बहुत गर्मी हो रही है। सो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पंखे को चलने देते हैं और आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने ये स्टिकर लगाया है और बताइएगा मुझे कि कैसा लग रहा है। वैसे अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर ये वाली पेंटिंग जो है ना, इससे पहले लगी हुई थी यहाँ पर ये वाली पेंटिंग जो कि मैंने बनाई थी। जी हाँ, ये एम्बॉस पेंटिंग है। सो ये पेंटिंग मैंने बनाई थी, तो मैंने सोचा यार ये थोड़ी सी ओल्ड फैशन लग रही है, वैसे अपनी बनाई हुई चीज़ कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होती है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे वॉल स्टिकर लगा देते हैं, क्योंकि मुझे वीडियोज़ वगैरह भी बनाने रहते हैं तो अच्छे लगते हैं वॉल स्टिकर्स। तो मैंने अपनी ये पेंटिंग, अपनी ये प्रतिभा जो है उतार करके रख दी है। मैंने कहा चलो इसको रख देते हैं। और पिछले हफ्ते मैंने एक और पेंटिंग उतार के रखी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। सो पिछले हफ्ते मैंने उतारी थी अपनी ये वाली पेंटिंग जो कि है ग्लास पेंटिंग, तो ये वाली पेंटिंग भी मैंने बनाई थी। सो पिछले हफ्ते मैंने ये वाली उतारी थी, क्योंकि इसकी जगह भी मैंने वॉल स्टिकर लगाया था। सो इन दोनों को मैंने उतार दिया है। मैंने कहा चलो इनको उतार करके कहीं और लगा लेंगे या रख देंगे। सो यही सब मैं कर रही थी और अभी जा रही हूँ मैं नीचे। सो आप लोग भी मेरे साथ नीचे चलिए और नीचे चल के चाय बनाते हैं और साथ में थोड़ी देर घूमते हैं। और यार गर्मी बहुत है, आप लोग बताइए गर्मी के क्या हाल चाल है, क्योंकि यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। सो फैन ऑफ कर दिया, लाइट्स ऑफ कर दी। सो चलिए अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं बच्चे वगैरह भी क्या कर रहे हैं। एक मिनट, मैं आपको मौसम भी दिखा दूँ। सो मौसम तो ऐसा हो रखा है, ऊपर बादल, लग रहा है कि बारिश आएगी। सो पीछे भी मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। सो देख सकते हो आप पीछे का मौसम, और बाल जो है मेरे ऐसे हो रखे हैं आज, क्योंकि वॉश किए थे।
सो ग्रीनरी देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, और गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है, गर्मी ने तो बुरे हाल किए हुए हैं। तो मौसम हो तो रखा है, देखते हैं बारिश आती है शाम तक या नहीं आती है, गॉड नोज। सो चलिए नीचे चलते हैं। भैया कहाँ हैं? और आशु गए हैं अभी मार्केट, और बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। सो यहाँ है नो नो, और मॉर्निंग में एमी जी नहा रहे थे अपने बाथ टब में। सो आपको तो पता ही है कि उसको पानी कितना पसंद है, पानी और कार्स, दो चीज़ें उसे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। और चलिए एमी को देखते हैं क्या कर रहा है। एमी क्या खा रहे हो? बनाना, मैंगो? नहीं गिरी। सो एमी खा रहा है बनाना अपनी दादी जी से लेके। सो चलिए हम लोग थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, बार बार बोल रही हूँ। और हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि हमारा जो नीचे वाला है ना, नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पर ना बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है, विंडोज वगैरह थोड़ी कम है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फ्रेंड्स मैं खड़ी हुई हूँ बाहर और देख रही हूँ अपने यहाँ की ग्रीनरी, और जो कि मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को। सो फ्रेंड्स मैं जब बाहर खड़ी हुई थी तो मेरी एकदम से नज़र गई, तो मैंने देखा कि वाओ हमारे सीताफल पर देखिए छोटे छोटे सीताफल आ गए हैं। सो ये इस वाले पेड़ पर पहली बार आए हैं, क्योंकि ये बहुत छोटू सा था, तो अभी जस्ट ये थोड़े दिन पहले ही बड़ा सा हुआ है, तो इस बार इस पर फल भी आ गए हैं। और कितनी खुशी होती है ना जब आप कोई फल का पेड़ लगाते हो तो उसमें पहली बार जब फल आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीताफल देख के। और यहाँ देखिए, यहाँ एक चीकू का पेड़ भी है हमारे यहाँ, और इस पर देखिए इस समय कितने सारे चीकू लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स हम लोग काफ़ी बार इनको पका भी चुके हैं, तोड़ भी चुके हैं, अभी भी स्टिल इस पर लगते ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है गाँव में, कि इतनी खुली खुली जगह होती है ना, कि आप चाहे फल के पेड़ बो चाहे वहाँ साग सब्जी बो, तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं गाँव के जो कि शहरों में नहीं मिल पाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फलों के पेड़ देखना। और देखिए यहाँ पर एक चकोतरे का पेड़ भी है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को चकोतरे खाना पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है चकोतरे, और ख़ास तौर पर काला नमक और मिर्च डाल करके मुझे बहुत अच्छा लगता है चकोतरे खाने, और शुरू से मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी बज रहे हैं शाम के 6, और हम लोग यहाँ छत पर घूम रहे हैं। और जब मैंने आप लोगों से लास्ट बात की थी उसके बाद फिर मैं चाय पीने के लिए चली गई, फिर उसके बाद फिर मैं भाभी के पास चली गई बात बात करने के लिए। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग घूम रहे हैं यहाँ छत पे, और पीछे देखिए आशु भी हैं। सो सबको हाय बोल दो। सो आशु भी यहाँ है, और बाल देख लीजिए मेरे कितने फैंसी हो रहे हैं। तो ऐसे ही होता है एक्चुअली, बहुत तेज़ हवा चल रही थी छत पे, और मौसम भी इस समय बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश जैसा कुछ कुछ मौसम है, देखते हैं रात तक आती कि नहीं। तो हम लोग ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे थे, घूम रहे थे छत पे, क्योंकि अभी डिनर बनाने जाऊंगी मन तो नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना वीकेंड पे कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है, काम भी करने का मन नहीं करता है। सो आज सेम मेरा मन जो है ना वैसा ही हो रहा है, कुछ करने का मेरा मन नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है यार आज डिनर बनाऊं, क्या करें, बाहर जाएं खाने के लिए, मगर बाहर का खाना मुझे उतना पसंद नहीं है। सो एक ही ऑप्शन रहता है कि यार डिनर ही बनाऊं, पर मन नहीं कर रहा आज। और आज पता नहीं क्यों व्लॉगिंग का भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि फिर बाद में ना आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो, तो उसका मुझे वेट रहता है, और वही चीज़ से मुझे एनर्जी मिलती है कि नहीं यार व्लॉग बनाते हैं। उस बहाने से चलो आप लोगों से बात तो हो जाती है, और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स तो आ जाते हैं। सो एमी को देखिए मस्ती कर रहा है बैठा हुआ इधर, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ देखिए एमी बैठा है पापा के साथ, और बाउंड्री पे बैठा हुआ है, इसलिए आशु ने उसको पकड़ा हुआ है कि कहीं गिर ना जाए। और नोनो गई है अभी जस्ट नीचे, और वो देखिए उधर छत पे सब लोग घूम रहे हैं, नोनो भी उधर है, वो उधर वाली छत पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं।
सो चलिए अभी हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं खाने के लिए क्या बनाना है, क्या काम करना है। मन तो नहीं है पर फिर भी स्टिल करना पड़ेगा। सो चलिए किचन में चलते हैं। सो गाइज यहाँ चॉपर में मैंने प्याज और टमाटर जो है वो काट के डाल लिया है। सो इस क्वांटिटी में मैंने इसमें प्याज और टमाटर डाला है। और ऋचा जी आपने मुझसे पूछा था कि आप जब भी इस चॉपर को यूज़ करोगे तो मेरे साथ में इसका रिव्यू जो है वो शेयर करना। सो इसमें ऑलरेडी से मैंने जो ब्लेड होता है इसका वो लगा लिया है। अब मैं इसका जो कैप है वो इसमें फिक्स कर दूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इस तरीके का ये निशान है तो उसको अच्छे से मैं लगा लूंगी। सो आप देख सकते हो मेरा जो कैप है वो अच्छे से क्लोज हो चुका है। और अब मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि इसमें आपको यूज कैसे करना है। सो ये मैंने ले लिया चॉपर और इसको धागे को मैं इस तरीके से खींच रही हूँ और आप देखिएगा कितनी जल्दी ये चॉप हो जाता है मसाला। तो आप देख भी सकते हो कि चार पांच बार मैंने इसको जो है धागे को खींचा है ऑलरेडी से कितना सारा टमाटर प्याज मेरा चॉप हो चुका है। सो मुझे तो पर्सनली ये चॉपर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। सो आप भी इसको परचेज कर सकते हो क्योंकि मैं आप लोग के साथ में बिल्कुल इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी मुझसे भी पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस वाले चॉपर को यूज़ कर चुके हैं, अपनी वीडियोस में दिखा चुके हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया से ये वर्क कर रहा है। और अभी मैं इसमें चॉप करके आपको दिखाऊंगी कि इसमें जो चॉपिंग हुई है वो कितनी अच्छी हुई है। और इसके नीचे चॉपर के नीचे ये लगी हुई है, यहाँ पर ये रबर वाला पार्ट लगा हुआ है तो इससे ना चॉपर जो है चॉप करते हुए जब आप इसमें इस तरीके से खींचते हो तो ये खिसकता नहीं अपनी जगह पे, इस वाली रबर से जो है ग्रिप रहती है। सो देखिए, सो आप देख सकते हो कि मसाला जो है कितने अच्छे से चॉप हो चुका है। अब मैं ब्लेड को निकाल देती हूँ इसमें से। सो देखिए आप कि मसाला जो है मेरा कितना अच्छे से, मैं चम्मच से आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो बहुत ही अच्छा चॉपर है ये। और ये देखिए मसाला कितना अच्छा फाइनली ये चॉप हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मोटा मोटा सा हुआ है, बहुत अच्छे से ये चॉप हो चुका है। तो बहुत बढ़िया से मसाला हो गया। सो चलिए अभी सब्जी छोक लेते हैं जल्दी से। सो फ्रेंड्स अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। सो आज डिनर में मैं बना रही हूँ दम आलू और रोटी। और फ्रेंड्स दम आलू के लिए मैंने ऑलरेडी से आलू जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं। अब मैं आलूओं को छील रही हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन करूँगी सब्जी की और आप लोग के साथ में शेयर करूँगी सब्जी की रेसिपी। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और ऑयल हो गया है मेरा गरम। सो सब्जी बनाने में सबसे पहले हम लोग को जो हमने आलू लिए हैं उबले हुए उसको हमें फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स आलू जो हैं मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, छोटू छोटू से आलू हैं मेरे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो अगर आपके आलू बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप उनको 2 पीसेज में या 4 पीसेज में कट कर सकते हो क्योंकि आलू का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अच्छे से ग्रेवी में नहीं पक पाएगा और उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। सो ये मैंने छोटे छोटे आलू लिए हैं और इनको मैं कर रही हूँ फ्राई। और फ्रेंड्स इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इनको थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है आपको। और आप क्या है पैन में या कढ़ाई में जिसमें आप आलू को फ्राई कर रहे हैं तो उसमें आप आलू को अलटते पलटते रहें ताकि वो चारों तरफ से हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इससे आपका आलू जो है वो अंदर तक डीप फ्राई हो जाएगा और उसका टेस्ट जो है सब्जी में बहुत अच्छा आएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ मेरे आलू जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हल्के से लाइट ब्राउन कलर के हो चुके हैं, तो मैं इनको निकाल लूँगी और करूँगी तड़के की तैयारी। सो फ्रेंड्स तड़के के लिए मैंने आज बहुत ज़्यादा जो है नहीं कुछ लिया है, तो मैंने जस्ट प्याज और टमाटर का ही तड़का लगा रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल गर्मियाँ हैं तो लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं आज इस दम आलू में नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने उसी ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल लिया है और अब मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी इसमें हींग। और हींग डालने के बाद में फ्रेंड्स जो मैंने तड़का किया था चॉपर में वो मैं इसमें डाल रही हूँ, यानी कि प्याज और टमाटर का तड़का। और फ्रेंड्स हरी मिर्च इसमें मैंने आज नहीं डाली है क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, आप चाहे तो डाल सकते हैं, तो वो टोटली आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो तड़के में, चाहे आप लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं तड़का फ्रेंड्स अच्छे से भूनने के बाद में फिर उसमें ऐड करूँगी सूखे मसाले। सो यहाँ तड़का जो है मेरा हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी
और फ्रेंड्स ये है थोड़ा सा सब्जी मसाला जो कि MDH का है, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरे वाली नहीं डाली है, और साथ में मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। और फ्रेंड्स जैसे ही मैंने ये सब मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च क्योंकि उसका कलर जो है बहुत अच्छा आता है रेड रेड ग्रेवी में, तो वो खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं मसालों को थोड़ा और अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद में फ्रेंड्स जैसे ही मसाला हमारा ऑयल छोड़ने लगेगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू, और साथ ही फ्रेंड्स इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। तो यहाँ मैंने पानी को पहले ऐड कर लिया है, आप चाहें तो आलू ऐड करने के बाद में आप पानी डालें। सो अब मैंने पानी ऐड करने के बाद में इसमें आलू डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स अब हमें एक मेन चीज़ है जो करनी है। सो फ्रेंड्स आलू को मैंने ग्रेवी में डाल लिया है, अब मैं आलू को फोक की मदद से जो है उसमें छोटे छोटे होल्स करूँगी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो आलू के अंदर तक चली जाए। सो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने छोटे वाला एक फोक ले लिया है तो मैं उसकी हेल्प से सारे आलू में जो है होल्स कर रही हूँ, और आपको बहुत हल्के हल्के से होल करना है, अगर आप ज़्यादा प्रेशर से करेंगे तो आलू फूट जाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेंगे। तो यहाँ मैंने सारे आलू में होल कर दिए हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो आलू में अंदर तक जाए और उसका फ्लेवर जो है आलू के अंदर तक पहुंच जाए। सो गाइस सब्जी मैंने छौंक दी है, तो जब तक मेरी सब्जी हो रही है मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चपाती। सो और कंप्लीट कर लूंगी अपना डिनर का काम क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है हमारी किचन में, तो मुझे अच्छा लगता है कि जल्दी से जल्दी काम फिनिश कर लो, फिर उसके बाद बाहर जाऊंगी मैं थोड़ी हवा में बैठूंगी। सो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी देर पकने के बाद में मेरी सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। सो अब बारी आ गई है दही ऐड करने की। सो फ्रेंड्स अभी जो है मैंने गैस को ऑफ कर लिया है क्योंकि आप जब भी किसी भी ग्रेवी में आप दही डाल रहे हों तो हमेशा पहले आप गैस को ऑफ़ कर लें, नहीं तो दही जो है वो डालते ही फट जाएगी। सो यहाँ मैंने आधी कटोरी दही ले ली थी और मैंने उसको गैस बंद करके ग्रेवी में ऐड कर दिया है, और फ्रेंड्स थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगी गैस को बंद किए हुए, उसके बाद में फ्रेंड्स फिर मैं गैस को खोल दूंगी और इसको एक मिनट के लिए पकने दूंगी, और उसके बाद में फ्रेंड्स हमारी जो सब्जी है वो बन करके हो जाएगी रेडी। और आप भी इस तरीके से सब्जी को बनाइएगा, दम आलू को बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यम्मी लगती है खाने में, और फ्रेंड्स झटपट से बन जाती है, कोई ऐसी मेहनत भी नहीं लगती है मगर इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स मेरी दम आलू की सब्जी हो गई है तैयार, और साथ में मैंने रोटी भी सेक ली है, तो मेरा डिनर जो है वो बन करके तैयार हो गया है और बाहर सब लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। सो चलिए सबको जल्दी से डिनर सर्व करते हैं, और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत झटपट से बन जाती है मगर बहुत खाने में टेस्टी लगती है। गाइज अभी बज चुके हैं रात के 10:30, एक मिनट में आपको टाइम दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 10:30 और मेरा काम जो है काफ़ी देर पहले फिनिश हो गया था, मगर उसके बाद फिर मैं चली गई थी एक्चुअली अपनी बीच वाली जो हमारी भाभी हैं तो उनके यहाँ मैं चली गई थी। एक्चुअली मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था कि भाभी की जो बेटी है उसको बेटा हुआ है थोड़े दिन पहले, तो एक्चुअली कल को जाना है उसके यहाँ पे केवका, तो हमारे यहाँ पे केवका बोलते हैं जो कपड़े वगैरह जाते हैं, सो वही आज भाभी के यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही थी क्योंकि कल उसके यहाँ पर ना केवका जाएगा। सो मैं भी चली गई थी थोड़ी देर के लिए उनके यहाँ क्योंकि उन्होंने बुलाया था कि देख लो आ जाओ कि क्या क्या सामान है कैसे है, और पैकिंग वगैरह थोड़ी सी करवानी थी, सो मैं वहाँ चली गई थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया।
क्योंकि मैं डिनर करते ही जैसे मेरा डिनर का काम फिनिश हुआ है, फिर बर्तन वर्तन क्लीन करके मैं उनके यहाँ चली गई, तो वहाँ बहुत सारा टाइम मुझे लग गया और शूट मैंने नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा होता है कि कोई कंफर्टेबल हो या नहीं हो, तो इसलिए मैं शूट तो नहीं कर पाई। सो फिर उसके बाद मैं घर आई, घर आकर के देखिए यहाँ एमी सो रहा है, तो एमी को भी नींद आई हुई थी, मैंने कहा चलो मैं पहले इसको सुला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग का जो है एंड करूंगी, आप लोगों से बात करूंगी। एमी सबको बोल दो गुड नाइट। सो एमी भी सो रहा है और नोनो नीचे है और आशु गए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में नाइट आउट पे। सो आजकल बहुत मस्ती चल रही है आशु की, तो आशु अभी भी फ्रेंड्स के साथ में गए हुए हैं और अच्छा भी लगता है यार, मैं तो मजाक कर रही हूँ कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है उनका भी, तो वो बाहर चले गए तो डिनर बाहर ही करके आएंगे, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा चलो मैं भाभी के यहाँ चली जाती, तो वहाँ पर मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड करके आई हूँ। सो फ्रेंड्स आज का जो दिन था ना वो थोड़ा सा लेजी सा रहा है, बड़ा आज मुझे मॉर्निंग से ही आलस आलस सा फील हो रहा था, मगर चाहे कितना भी आलस फील हो मगर ससुराल में आने के बाद में थोड़ा सा काम वगैरह तो करना ही पड़ता है, चाहे आपका मन है चाहे नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि हम लोग जो हैं हम आए और हमारे सामने बड़े काम में लगे रहें, हम लोग बैठे रहें कि आलस आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। सो ये सब एक्सक्यूज़ जो है ना वो ससुराल में अच्छे नहीं लगते हैं। सो बड़ों के सामने छोटों को काम करना ही अच्छा लगता है और मुझे तो यही चीज़ अच्छी लगती है कि मैं बहू हूँ, तो बहू और मेहमान में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, चाहे थके हैं चाहे बीमार हैं, तो थोड़ा सा जो है ना खुद को अच्छा नहीं लगता है कई बार। सो आज मेरा बिल्कुल मॉर्निंग से ही ऐसा हो रहा था, मॉर्निंग से इतनी आलस आलस सी आ रही थी, और हो जाता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लेजी सा दिन होता है, बहुत ज़्यादा आलस वाला मन होता है, तो आज मेरा वैसे मन कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने खैर दम आलू बनाए चपाती सेकी साथ में और वो रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर की है, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छे बने थे आज दम आलू, बहुत ज़्यादा यम्मी, मैं तो बताना ही भूल गई, बहुत टेस्टी बने थे, एमी को और सबको, पापा जी को मम्मी को सबको बहुत पसंद आए हैं। सो फ्रेंड्स चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत सारी बातें होगी और इस व्लॉग को छोटा सा ही रहने देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल के व्लॉग में और तब करेंगे खूब सारी बातें, और आई होप कल का व्लॉग जो है फुल एनर्जी के साथ में मैं जो है शूट करूं आप लोग के लिए। सो फ्रेंड्स मिलती हूं बहुत जल्दी आप लोगों से, और हाँ वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की इस वीडियो को अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर दीजिएगा, और टेस्टी टेस्टी यमी सी रेसिपी के लिए तो एक लाइक बनता ही है। सो मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से मैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।